हेलो जी, वेलकम बैक। अच्छा जी, आज का सीन कुछ ऐसे है कि आज मैंने एयरबड्स की अनबॉक्सिंग करनी है। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं 11/11 की सेल के अंदर। तो वैसे जो इनकी प्राइस है, ये मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ओप्पो के W11 है ये, और ये प्रोडक्ट PTA अप्रूव्ड है, क्योंकि ओप्पो की प्रोडक्ट है। और ये थोड़ी, मतलब कि ओप्पो की प्रोडक्ट है तो इनकी प्रोडक्ट हमेशा थोड़ी प्रीमियम ही होती है। और बाकी इसकी जो प्राइस है वो है, इसकी जो मुझे डील के अंदर मिली है, बहुत ही अच्छी डील मिल गई है, 2000 के अंदर मुझे मिले हैं। और वैसे जो इसकी ओरिजिनल प्राइस चल रही है वो 5000 के करीब है इसकी। तो लेकिन ये मैंने ओप्पो की सेल के अंदर 50% ऑफ था, तो वैसे तो आजकल कॉपीज वगैरह लेने जाएं बाजार से तो वो मिलती हैं 1500-2000 की, तो वो मिलती हैं। लेकिन ये ओप्पो के ओरिजिनल मिल गए हैं और ये बेस वाले हैं, मतलब कि अगर जो बंदा म्यूजिक का शौकीन है उसके लिए ये बेस्ट चीज़ है। तो ये मुझे 2000 के अंदर मिले हैं। तो अच्छा, चलिए आपको इसकी कुछ डिटेल्स वगैरह बता देता हूँ मैं। अच्छा, तो इसके अंदर एक तो ये आ रहा है बाइनरल सिमुलटेनियस ब्लूटूथ ट्रांसमिशन। इससे मुराद ये है कि आपका जो एयरबड्स हैं वो आप सेपरेटली दोनों कनेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सेपरेटली भी कनेक्ट हो सकते हैं, अगर आप बाइक वगैरह पे जा रहे हैं या वैसे ही एक यूज करना है तो हो जाएगा। और बाकी इसके अंदर जो कंपनी की तरफ से बैटरी लाइफ इसकी आ रही है वो 20 घंटे की क्लेम हो रही है, लेकिन मैंने रिव्यूज वगैरह में सुना है कि 5 घंटे है। बाकी यूज करूंगा तो फिर पता चल जाएगा मजीद बाकी। और इसके अंदर उन्होंने एक और ऑप्शन बड़ा अच्छा दे दिया हुआ है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है, बेस वाला इनहेंस्ड बेस है। और इससे मुराद ये है कि म्यूजिक के लिए बेस्ट है, लेकिन जो बंदे सिंपल वॉइस पसंद करते हैं या सिर्फ कॉल के लिए यूज करते हैं उनके लिए ये आई थिंक उन्हें ना पसंद आए, लेकिन म्यूजिक के लिए बहुत अच्छे हैं। और इसके अंदर नॉइस कैंसलेशन तो नहीं दी गई, लेकिन नॉइस रिडक्शन ड्यूरिंग कॉल्स दी गई है कि अगर आप कॉल करते हैं जब, तब उसके दौरान तो थोड़ी सी इनकी नॉइस रिडक्शन कोई डिजिटली इनका हो सकता है क्योंकि इसके अंदर फंक्शन हो, लेकिन क्लियरली जो नॉइस कैंसलेशन का फंक्शन आता है वो इसके अंदर नहीं प्रोवाइड किया गया। फंक्शन और है कि ये वाटरप्रूफ है, IP55 रेटेड वाटर है। इसमें ये है कि अगर आप जिम वगैरह जाते हैं वहां पे पसीना वगैरह आता है तो उसके अंदर इन्हें कुछ नहीं होगा, और अगर पानी में भी गिर जाते हैं तो इन्हें कुछ नहीं होगा। वो भी जो एयरबड्स खानों में लगाए हुए हैं, जो पावर बैंक है वो इनका वाटरप्रूफ नहीं है, उससे नहीं गिरा सकते आप। और इंटेलिजेंट टच कंट्रोल है इसके अंदर, कि कोई ऊपर बटन वगैरह नहीं है, सारा टच सिस्टम होगा इसके ऊपर। तो बाकी ये प्रोडक्ट जो है मैंने शायद आपको पहले ही बताया हो कि ये PTA अप्रूव्ड है और ओरिजिनल प्रोडक्ट है ओप्पो वालों का। तो चलें इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ और आपको दिखाता हूँ अंदर से कैसा। बॉक्स तो प्रीमियम फील आ रही है, बाकी से खोल के चेक करते हैं खुलना कैसे है। अभी खुल जा सिम सिम। ये देख सकते हैं आप, प्रोडक्ट तो अच्छी है बस जी। और ये इसके अंदर इनके कुछ मैनुअल्स हैं जो हम लोग अक्सर रीड ही नहीं करते, इन्हें रख देते हैं। और जी इसकी ये साइड पे उन्होंने एक ये भी दिए हुए हैं, बर्ड्स दिए हुए हैं एक्स्ट्रा जो होते हैं। ये एक्स्ट्रा अगर गुम वगैरह हो जाए या आपके खराब हो जाए तो उस सूरत में आप यूज कर सकते हैं। और बाकी इस तरफ देख लेते हैं, इस तरफ ही इन्होंने चार्जिंग केबल दी हुई है छोटी सी। इधर एक और अच्छी चीज है कि क्वालिटी अच्छी है, ये देखिए खुद ही बंद हो रहे हैं और हाय हाय खुल जा, ये देखिए थोड़ा
थोड़ा सा लगाना पड़ता है सिर्फ। और मैग्नेट भी इनका अच्छा है, गिरने वाला कोई सीन नहीं है। बाकी कान में लगा के चेक करते हैं। ओके हैं। बाकी इनकी चार्जिंग अभी नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, थोड़ी बहुत होनी चाहिए थी। तो चले मैं चार्ज करता हूँ इनको और फिर आपको बताऊंगा कि इनकी क्या कैसी है साउंड वगैरह। अच्छा जी, तो एयरबड्स चार्ज हो चुके हैं और मैंने इन्हें कनेक्ट करके इनकी साउंड क्वालिटी चेक की है। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी साउंड क्वालिटी है, मज़ा आ गया। और ये एक मेरे लिहाज से तो वैल्यू टू मनी प्रोडक्ट है, अगर 2000 के अंदर देखा जाए तो। क्योंकि अगर 5000 के पास जाए तो फिर और भी कंपनीज के एयरबड्स वगैरह आ जाते हैं, फिर तो काफ़ी रेंजेस आ जाते हैं। लेकिन ओप्पो ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि एक प्रीमियम क्वालिटी हमेशा देते हैं अपने कस्टमर्स को, तो उस लिहाज से देखा जाए। और 2000-1500 के अंदर तो आजकल कॉपीज मिलती होती हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट किसी का भी नहीं मिलता। तो ये खैर सेल के अंदर इनका बहुत अच्छा प्रोडक्ट था। तो और अगर आपको मेरा ये छोटा मोटा सा रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।